सकता है कि आज मथुरा से जुड़ी याचिकाओं पर जिस पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रही, किस तरह से सुनवाई हुई, क्या कोर्ट में कितनी देर करीब सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और मामले की अगली सुनवाई इसमें कब होगी? देखिए, लगभग 1.5 घंटे तक सुनवाई चली और जो अगली सुनवाई है वो 22 फरवरी की है। अब कोर्ट से सर्वे की एप्लीकेशन पे स्टे लगने के बाद अब जो बाकी एप्लीकेशन हैं वो अभी पेंडिंग है और 7/11 की एप्लीकेशन पे अभी सुनवाई होनी है जिस पे अभी एक ट्रायल चलेगा। और जैसा कि अगली 22 फरवरी को डेट है, तो आज जो मेन सबसे गंभीर मुद्दा ये रहा कि कुछ हिंदू पक्ष के लोगों ने ही गलत तरीके से एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करी, हालांकि उन्होंने लगाई भी हैं, जिसके ऊपर की जो बाकी पक्षकार हैं उन्होंने काफ़ी अपनी कठोर आपत्ति दर्ज कराई और हम रिटर्न में भी ऑब्जेक्शंस देंगे। तो एक पूरे तरीके से, एक हिडन तरीके से पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, जिस षड्यंत्र के अगेंस्ट हम सब एकजुट हैं। ऐसे मुट्ठी भर लोग हैं जिनका मेन उद्देश्य पैसे अर्जित करना, मीडिया की सुर्खियों में रहना, अपने आप को हीरो प्रोजेक्ट करना, मीडिया के आगे आकर के किसी न किसी रूप में इंटरव्यू दे करके रो के दिखाना। अच्छा मैम, जिस तरह से आपका जो सूट है वो 3 नंबर शायद, हमारा सूट नंबर 7 है, सूट नंबर 7 है आपका। ये हम पहले पक्षकार हैं भगवान श्री कृष्ण लला विराजमान। अच्छा, आपका 7 नंबर सूट है। तो आज जिस तरह से इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी, कोर्ट कमिश्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन जो रेवेन्यू सर्वे के लिए कहा गया, क्या उस पर भी आज कोई सुनवाई? देखिए, जो रेवेन्यू सर्वे की एप्लीकेशन है वो लास्ट हियरिंग में लगी है और उससे पहले बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है कोर्ट के समक्ष जो 2020 से पेंडिंग है, तो सीरियल वाइज सुनवाई होगी। हमारी भी कई एप्लीकेशन है जो हमने 6 महीने पहले लगाई थी इंस्पेक्शन की। ऐसा नहीं है कि कोर्ट सर्वे की एक ही एप्लीकेशन है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति की थी कि मथुरा से सभी याचिकाओं पर यहाँ सुनवाई की जा रही है, उस पर भी सुनवाई हुई है? नहीं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई क्योंकि वो मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और जैसे कि कल सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इसमें इस मुद्दे पर हियरिंग थी और 1 अप्रैल की डेट फिक्स होगी। यहाँ पर कब सुनवाई होगी? यहाँ पे अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी क्योंकि यहाँ पे ट्रायल चल रहा है, ट्रायल ही चलेगा, ट्रायल पे सुनवाई होगी। अच्छा, जिस तरह से सभी याचिकाओं को, करीब 15 याचिकाओं को फैसिलिटेट कर दिया गया है, तो लगभग सब में एक तरह की मांग है, तो उस पर आप लोग का क्या रुख है? देखिए, सब अपनी तरह से तथ्य रखने की कोशिश कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस पूरे मामले को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको एक साफ सुथरे तरीके से देखें कि करीबन 18 एप्लीकेशंस हैं जो 2020 से मथुरा कोर्ट में चल रही थी, तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एक जो केस का जो मूल रूप है उसे बिगाड़ना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चर बिगाड़ना चाह रहे हैं अपने पर्सनल हितों के लिए, तो उस चीज़ को लेकर के हमने कठोर आपत्ति दर्ज कराई है और हमने कोर्ट से ये प्रार्थना करी कि सीरियल वाइज जैसे उसके उनके पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऐसे ही माननीय न्यायालय उन पे अपना फैसला सुनाए और एप्लीकेशन का डिस्पोजल करे। तो 22 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई में रूल 7 और 11 पर सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, रूल 7 पे एप्लीकेशन जो है, जो मुस्लिम पक्ष ने वाद को निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन डाल रखी है, इसके ऊपर, हाँ जी, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगली बात जी, और एक ऑर्डर 1 रूल 8 की एप्लीकेशंस है, उस पे भी हमने आपत्तियां दर्ज कराई है, उसे भी विचार माननीय न्यायालय के समक्ष, वो भी विचाराधीन है। ऑर्डर 1 रूल 8 क्या है? ऑर्डर 1 रूल 8 में देखिए, जैसा भी मैंने पहले बताया कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को गलत रूप देने की कोशिश करी है। उन्होंने एक ये एप्लीकेशन लगाई कि भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान मुस्लिम पक्ष के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसपे पहले उन्होंने नाम नहीं बता रहे थे कि कौन पक्षकार हैं, पर आर्ग्यूमेंट के द्वारा मेरे दबाव देने पर उन्हें नाम बताना पड़ा क्योंकि हमने बार बार पूछा कि आप इस चीज़ को साइलेंटली कोर्ट में नहीं पेश कर सकते और आप नाम बताइए। जब उन्होंने नाम बताया कि हम प्लेंटिव भगवान श्री कृष्ण लल्ला विराजमान के हैं और हमारी प्रेयर ये है ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके भगवान श्री कृष्ण प्रतिनिधि होंगे, ये मैं आप सबके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा संभव है? यही चीज हमने उठाई कि जहाँ पे हिंदू पक्ष अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के मूल गर्भगृह को वापस पाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वहीं पे कुछ मुट्ठी भर लोग अपने लालच के लिए, पैसे के लिए, मीडिया की सुर्खियों में आने के लिए ऐसी झूठी मनगढ़ंत एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? हमने इस चीज का पुरजोर विरोध किया और जिसमें अगली सुनवाई में हम इसमें रिटर्न में सबमिशन सबने सबमिट करेंगे।